मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के दिशा निर्देशानुसार थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस वाला चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवर्धन पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर गांठोली रोड के पास देवसेरस बम्बा रोड से मैं असलह सहित 5 युवकों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 5 युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में डिग रोड के पास देवसेरस बम्बा पर खड़े हैं, जिन्हें पुलिस ने सजगता के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों के नाम सालीम पुत्र रहीमुद्दीन निवासी सिंगार थाना पुन्हाना जिला नू हरियाणा, शहरू पुत्र फतेह मोहम्मद, शकील पुत्र उमर मोहम्मद, जलीस पुत्र इन्नास, राहुल पुत्र यूनस खान निवासी गढ़ग्राम लालपुर थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 पोनिया, 315 बोर व 6 जिंदा कारतूस, 315 बोर आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए 5 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इनबीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।